रोमांस के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो गया, जहाँ मीरा को चक्कर आ रहा है, क्या हुआ है? तो वो काला जादू कर रही है एंड वो एप्पल जैसी खाती है तो उसके अंदर भी कुछ चला जाता है एंड वो उधर से किसी चीज़ पे मारती है तो मीरा को चक्कर आने वो गिर जाती है. काफ़ी ब्लैक मैजिक टेलीपैथी आती है. नहीं लेकिन रोमांस के बीच में ये काला जादू इसके वजह से तो मीरा विवान अलग हो रही है. ये छुप रहा है नहीं मतलब क्या आपके रोमांस के बीच काला जादू आ रहा है, क्या बताएंगे उसके बारे में? तो मीरा के ऊपर जो असर दिख रहा है काला जादू का, उसके वजह से आप दोनों के रोमांस में कहीं ना कहीं वो जिसको ये घर लेकर आई है वो आई थिंक इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि ये यही उसको घर लेकर आई है और वो ही कर रही है तो ये अच्छाई करते करते उसी के साथ बुरा हो रहा है. मीरा आप क्या कहेंगे? मैं तो अच्छा करने चली थी मैं तो पॉजिटिव नो ना मुझे क्या पता था तुम्हारे बुरे कर्म मेरे भी उल्टे पड़ जाएंगे. वो मेरे बुरे कर्म भी नहीं थे. वो मेरे बुरे कर्म जो उसने सुसाइड कर लिया उसकी बहन है और उसकी चाची मासी वासी सब उठ के आ जाएंगी. अब क्या कर सकते मतलब कोई ना कोई आएगा तो आप लोगों के रोमांस के बीच में ही आने वाला है. मतलब ये किस तरह से इस चीज़ का पूरा तोड़ निकालेंगे? मतलब मेरा चीज़ का तोड़ निकालते इसकी माँ निकालेगी तो शायद है काला धागा पहनना चाहिए. बट हाँ अब यार मैं ये सब तो नहीं बता सकता कि काला जादू से कैसे बचना चाहिए वो सब बट सिचुएशन से कैसे बचेंगे. आई थिंक मेरे हिसाब से उसको भाजपा बाहर निकलना चाहिए. Thank you.